नमस्कार दोस्तों, ऐसी वीडियो दोस्तों आपने ना तो आज तक देखी होगी और ना ही किसी ने दोस्तों बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम गोल्ड आज तक लगभग जो है 18-19 निकाले हैं। तो मेरी ये वीडियो देखना दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्न का इन्वेस्टमेंट मैंने 30 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है और देखिए 17 गोल्ड निकाल दिए। अभी देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड निकालने की कोशिश करूँगा, तो 18 गोल्ड निकाले। जैसे 18 गोल्ड जैसे निकाले तो मेरा जो है 13 गुना मेरे को यहाँ पे मिला, ठीक है। एक गोल्ड और निकाल दिया। अभी देखिए जितने ज़्यादा गोल्ड निकलते जाएंगे, जो ट्रीज़र ऊपर दिखाई दे रहा है वो उतने जो गुना ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। अभी जो 19 गुना मिल गया, तो लगभग मेरे को ऐसे चांस लग रहे हैं कि साइड में यहाँ पे जो होने के चांस है, तो साइड वाले लगभग दो ऊपर से छोड़ेंगे, दो इधर से साइड वाले छोड़ रखे हैं मैंने, और एक इधर से साइड वाले जो छोड़ रखा है, ठीक है। तो लगभग सेंटर वाला एक बार और क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेजर अब जो है 29x, मतलब एक अगर और गोल्ड निकाल देता हूँ मैं तो नेक्स्ट जो है मेरे को 29 गुना मिलेगा, और उससे नेक्स्ट ऐसे करके जो है लास्ट वाले जो 23 अगर निकाल दिए गोल्ड दोस्तों, तो 23 गोल्ड की जो है 291 गुना मिलते हैं। लेकिन मैं अभी जो है फर्स्ट करना है, तो अगर यहाँ पे मैं क्लेम कर लेता तो हमारे पास जो है एक अच्छा बैकअप बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने और गोल्ड निकालने की कोशिश की तो अगर बॉम्ब आ गया तो दोस्तों सारी जो है ऐसी तैसी हो जाएगी, और जो है जितना प्रॉफिट है सारा का सारा लॉस में जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार मैं लगभग जो है मैंने कितने निकाल दिए, 5 पेंडिंग है, तो 20 निकाले गोल्ड। तो 20 गोल्ड निकालने के बाद जो है अभी क्लेम करता हूँ। तो दोस्तों जब जैसे मैंने मतलब कि क्लेम पर क्लिक किया, तो मेरे को टारगेट ऐसे लग रहा है कि एक तो इधर वाली, दोनों इधर वाली साइड में थे, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल एज इधर लास्ट वाली रो में इधर क्लिक करने की सोच रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने क्लेम किया, तो क्लेम करने के बाद देखा कि जो दो बॉम्ब थे, बॉम्ब की पोजिशन वहीं पर थी जहाँ मैं क्लिक करने वाला था। तो देखिए यहाँ पर सुपर बिग विन है, ठीक है। अभी तो सुपर बिग विन ही है दोस्तों, इसका जो है मेगा विन भी आएगा, तो वो मैं आपको वीडियो पूरी देखते रहना, लास्ट तक वीडियो देखना। देखिए दोस्तों यहाँ पे जहाँ पर ये जो बॉम्ब है लगभग मैं यही टच करने वाला था, ठीक है। मैं ऐसे सोच रहा था कि बॉम्ब के जो पोजीशन है ऊपर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थी, तो अगर मैं टच कर देता तो जितना प्रॉफिट दोस्तों सारा का सारा लॉस जाता, और जो है एक वीडियो भी अच्छी नहीं बन पाती, और जो मेरा प्रॉफिट भी ना हो पाता, ठीक है। तो अभी देखिए 50 का इन्वेस्टमेंट, टारगेट यही है दोस्तों, तब तक क्लेम नहीं करना जब तक एक अच्छा प्रॉफिट ना मिल जाए, ठीक है। तो देखिए 6, 2, 3, 9, 10 और 11 पर जैसे क्लिक किया तो नीचे से आया बॉम्ब, तो अभी हम बंद करते हैं। तो अभी देखिए अगेन मेरा टारगेट क्या रहता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा टारगेट यही रहता है कि कॉर्नर के जो, देखिए कॉर्नर के आसपास वाले रहते हैं ना, उनको स्किप करके चलना, और जो सेंटर वाले लोग रहते हैं, ठीक है, सेंटर वाले लोग रहते हैं उनको स्किप करके चलना। अगर दोस्तों ये मैं सक्सेसफुली 5 या 6 स्किप कर देता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों जो मैंने कॉर्नर के पास वाले स्किप किए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो सेंटर वाले रहते हैं वो स्किप किए। तो अभी देखिए मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अगेन निकालने की कोशिश करता हूँ, तो लगभग जैसे 2 या 3 टर्न में हमारा लॉस हो चुका है, तो 10 गुना अभी तो इजीली मिल गया हमारे को। एक बार 10 गुना यहाँ पे क्लेम करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले जब वीडियो शुरू की तो पहले बोल के चला कि बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे पास बैकअप मैं बना लेता हूँ, तो मेरा 1 या 2 या 3 जैसे टर्न में लॉस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। क्योंकि एक ही टर्न में हम जो है अगर 400-500 लॉस भी कर जाते हैं, तो 400-500 कवर कर लेते हैं, और उस कवर करने के बाद जो है फिर अच्छा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने का मौका बना रहता है। तो यहाँ पे देखिए 50 का अगेन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस होएगा, बहुत ज़्यादा टर्नों में लॉस होएगा, लेकिन उस लॉस के बाद जो है मेगा विन वाली जैसी टर्न आई ना दोस्तों, आप भी दोस्तों खुश हो जाओगे कि क्या ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ज़बरदस्त वीडियो, मतलब यार ऐसी वीडियो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं शूट कर पाऊँगा। सिर्फ 2 से 3 के का जो सफ़र रहेगा हमारा, वीडियो बिना स्किप करके देखो। यहाँ पे देखिए जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, उतनी बार जो है यहाँ पे नीचे से बॉम्ब आ रहा है। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मेरे को कवर करना है, मेरा टारगेट यही है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है गोल्ड निकाल के एक बढ़िया सी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी नीचे से फिर से दोबारा बॉम्ब आया, तो लगभग दोस्तों आपके सामने 7 से 8 टर्न का गेम प्ले हो चुका है, और नीचे से लगभग बॉम्ब ही आता जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 3, 6, 9 और 12 अच्छी तरीके से तो मैंने निकाल दिए थे, लेकिन मैंने शुरू गलत कर दिया। अगर मैं इधर नीचे से शुरू करता तो 5 और निकाल देता, लेकिन गलत साइड से शुरू किया तो पहले में ही टच में बॉम्ब आया था, तो लॉस रहा हमारा। अभी देखिए यहाँ पे अगेन बॉम्ब आया, तो लगभग बॉम्ब आ रहा है अगेन एंड अगेन अगेन अगेन,
तो लगभग 11 टर्न हो गई और नीचे से बोम भी बोम बोम भी बोम। और मैं भी दोस्तों जिद्दों की तरह लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी जो है एक आधी टर्न का और देखते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो देखिए अगेन बोम्ब आया, तो 50 का इन्वेस्टमेंट अगेन रखा, फिर बोम्ब आया 14 या 15 टर्न। देखिए लगभग 1600 से हमारा बैलेंस 500 तक आ गया। इतनी बार मैंने क्या है लॉस कर दिया, ठीक है। अभी 60 का इन्वेस्टमेंट कर दिया दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो शायद अभी थोड़ा सा बोम्ब टिक जाए, लेकिन नहीं, मेरा टच वहाँ पर ही हो रहा है। 10 या 11 तो गोल्ड मैं इजिली निकाल रहा हूँ, लेकिन जैसे 12वें या 13वें पर क्लिक करता हूँ तो नीचे से बोम्ब आ ही रहा है। तो ये टर्न देखिए दोस्तों, क्या पता वही टर्न आ जाए जिसका मुझे वेट था। 3, 4, 7, 4, 11, 3, 15, 14 और 1, 15 दोस्तों निकाले, 16, 17 तो एक एक करके टच करेंगे। अभी कॉर्नर वाला निकाल दिया, ठीक है, तो दो ये भी निकाल देते हैं जो क्रॉस वाली साइड पे पड़े हैं। देखिए दोस्तों कितनी, मतलब कि जिस टर्न का मेरे को वेट था वही टर्न आ गई। और यहाँ पे देखिए जो ट्रेजर है लगभग 48 गुना ट्रेजर मिल रहा है। तो अभी 4 ही पेंडिंग बचे हैं, मतलब 21 मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और मेरे को दोस्तों यकीन मानो, मेरे को ऐसे ही लग रहा था यहाँ पे एक तो ये सेंटर वाली होगी, एक ये कॉर्नर वाली होगी। मेरे को शॉर्ट ही थी कि अगर बॉम्ब हुआ तो यही हुआ, लेकिन वही बोलता हूँ ना कि अगर लालच किया तो दोस्तों लालच के चक्कर में तो फिर पता ही आपको लॉस ही होता है। तो अभी 60 से लगभग जो है 2700-2800 हम कवर करेंगे, तो मेरे पास बैलेंस भी पड़ा है और 3K का लगभग हो जाएगा। तो 200 से शुरू किया तो 3K तक पहुंच गए। अगर हमने एक आधा और टच कर दिया, मान के चलो कि 4 पेंडिंग है, एक और टच कर दिया, मिलने को तो हमारे को यहाँ पे विनिंग अमाउंट तो 5800 मिल सकता है। लेकिन बाई चांस अगर हमने बॉम्ब पर क्लिक कर दिया तो ऐसा है कि जो भी 2900 प्रॉफिट है ना वो हमारा यहाँ पे चला जाएगा। देखिए दोस्तों मेगा विन, किसी भी यूट्यूबर की अभी तक जो है मेगा विन नहीं हुई होगी, तो आपके सामने है मेगा विन हुई है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि ज़बरदस्त वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई है। और सिर्फ दोस्तों ये भी नहीं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश की, सिर्फ 200 से इन्वेस्टमेंट किया और मैंने आपको बताया कि कैसे आपको जो है एक बैकअप बना के चलना है, ठीक है। तो बैकअप जैसे होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है निकाल सकते हैं। वीडियो को पूरा देख लिया तो दोस्तों एक कमेंट भी कर दो बढ़िया सा, और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, मैं ये नहीं बोलता कि आप गेम प्ले करो, आप जो है बस वीडियो शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 200 से लगभग 3K का सफ़र बहुत बढ़िया रहा हमारा, और मेगा विन यहाँ पे इस टर्न में हमने कर ली।